अचानक भारत में घुसे पाकिस्तान के कई अधिकारी मिली ऐसी सजा की जिंदगी भर रोएंगे। इधर राहुल गांधी पर मचा था बवाल, उधर धक्के मार कर निकाला बाहर तो मच गया हड़कंप। इधर भारत ने दौड़ाया, उधर पाकिस्तान के अंदर हो गया बड़ा ऑपरेशन, मचा दी तबाही। हिंदुस्तान में जब राहुल गांधी को लेकर बवाल मचा हुआ है, पाकिस्तान ने अपने कुछ अधिकारियों को साजिश के तहत पीएम मोदी से मिलने के लिए भारत भेजा था। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को लग रहा था कि वो अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के अधिकारी जैसे ही भारत आए, उनकी साजिश को पकड़ लिया गया। सिर्फ पकड़ा ही नहीं गया, बल्कि ऐसी सजा दी गई है कि जिंदगी भर रोएंगे। इससे पहले मोदी के सामने शहबाज शरीफ के अधिकारी पहुंचते सभी को धक्के मार कर बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। जब इधर भारत पाकिस्तानी अधिकारियों को सजा दे रहा था, उधर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हो गया। पाकिस्तान के सबसे बड़े खुफिया अधिकारी को ही रास्ते से हटा दिया गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान को धक्के मार कर क्यों बाहर निकाला गया है। एससीओ की मीटिंग में शामिल होने के लिए पाकिस्तान का एक प्रतिनिधि मंडल भारत पहुंचा था। इस बैठक में पाकिस्तान ने भारत का गलत नक्शा दिखाने की कोशिश की। भारत समझ गया था कि पाकिस्तान क्या चाहता है और इसीलिए उसने पहले पाकिस्तान के अधिकारियों को रोक दिया। भारत ने पाकिस्तान के अधिकारियों से कहा कि पहले अपना नक्शा सुधारो, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। पाकिस्तान के अधिकारियों ने कहा कि हमारे पास तो सिर्फ यही नक्शा है, दूसरा कोई नक्शा हमारे पास नहीं है। बस इतनी सी बात सुनते ही भारत ने इन अधिकारियों को धक्के मारकर एससीओ की मीटिंग से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिन्हें मोदी के सामने होना चाहिए था, पाकिस्तान के अधिकारी सड़कों पर भटकते रहे। लेकिन दुनिया भर में तब हंगामा मच गया जब पता चला कि जिस वक्त भारत में एससीओ की मीटिंग हो रही थी, इसी दौरान पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हो गया। पाकिस्तान के अंदर घुसकर एक बड़े अधिकारी को मार दिया गया है। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के ISI ब्रिगेडियर मुस्तफा अली को मार दिया गया है। ये मामला कितना बड़ा है इसे ऐसे समझिए कि इसे लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी बयान दे चुके हैं। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इतने बड़े ऑपरेशन को किसने अंजाम दिया है, लेकिन एक बात तो जरूर है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ तो ऐसा चल रहा है जो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पिछले कुछ महीने से पाकिस्तान के अंदर कई अधिकारी और कई आतंकियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है। पाकिस्तान भारत से पहली दुश्मनी मोल ले चुका है। अफगानिस्तान और ईरान भी पाकिस्तान के पैर काटने में लगे हुए हैं। पिछले हफ्ते ईरान ने पाकिस्तान की सरहद पर सैकड़ों गधों को मारकर चला गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर पीओके और बलूचिस्तान दो अलग देश बनाने की मांग चल रही है और इसे लेकर आंदोलन भी हो रहे हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान को बर्बाद करने की किसने सुपारी ले ली है अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधर रहा है। भारत के साथ पाकिस्तान भी एससीओ देशों की लिस्ट में शामिल है, इसलिए भारत ने पाकिस्तान को भी बुलाया था। लेकिन अपनी चाल के तहत पाकिस्तान कश्मीर और पीओके का गलत नक्शा लेकर आया था। लेकिन भरी मीटिंग से जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को भगाया, पाकिस्तान ये सजा जिंदगी भर नहीं भूलेगा। पाकिस्तान के अधिकारी जब शहबाज शरीफ से बताएंगे जाकर, तो अगली बार ऐसी गलती करने से पहले 10 बार पाकिस्तान सोचेगा। वैसे इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर अपनी राय आप दे सकते हैं।